सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं ये सोचना छोड़ दो, ये उनका काम है आपका नहीं। सिगरेट मत बनो कि इस्तेमाल के बाद पैरों तले रौन दिए जाओ। बनना ही है तो नशा बनो कि तुम्हें इस्तेमाल करने के बाद कि तुम्हें इस्तेमाल करने वाला तबाह हो जाए। आज का पंचांग 11 अगस्त 2020, दिन मंगलवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, सुबह 9:07 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र रात्रि 12:57 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 3:38 से 5:15 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 11:59 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 11 अगस्त 2020, दिन मंगलवार, आज आप नए दोस्त बना सकते हैं और नए काम हाथ में ले सकते हैं। हमेशा की तरह अपने आप में यकीन बनाए रखें, इससे आप अपने लिए हर तय मंजिल तक पहुंच पाएंगे। भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन वित्तीय स्थिति का ध्यान रखें, जरूरत पड़ने पर ही खर्च करें। घर में सगाई जैसा कोई मांगलिक कार्य संपन्न होने की संभावना है, जैसे परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। साथ ही ग्रह गोचर आपके लिए कुछ नई उपलब्धियों का निर्माण कर रहा है जो कि भविष्य में आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद साबित होगी। आज के दिन आपके लिए कुछ परिस्थितियों में अचानक बदलाव या घटनाओं भरा हो सकता है। आप इस स्थितियों पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश करेंगे और काफी हद तक उसमें सफल भी होंगे। यदि किसी प्रकार का निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो यह उसके लिए उचित समय है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर कोई कदम उठाना पड़ेगा। शुरुआत में इसे कुछ परेशानियां हो सकती है, किंतु यह आपके लिए भविष्य में लाभकारी रहेगा। सावधानियां, आज खर्चों की बहुत ज्यादा अधिकता रहेगी जिससे आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलना जरूरी है। कभी कभी आपका अहम और क्रोधपूर्ण स्वभाव परिस्थितियों को दूषित कर देता है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। सेहत की बात करें तो शायद आप जितना संभाल सकते हैं आपके पास फिलहाल उससे कहीं ज्यादा है। आपके पास काफी काम होने के साथ साथ कई सारे अफेयर भी हैं। इसके चलते आपको अपने काम के साथ समझौता करना पड़ सकता है जिससे आपको भविष्य में काफी परेशानी हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहें और आपके पास जो है उसी में तसल्ली रखें। करियर की बात करें तो एक मालिक के रूप में अपने अधीनस्थों के लिए आप में एक दिल है, उन्हें ज्यादा उत्साह के साथ प्रदर्शन करने के लिए आपकी प्रशंसा की जरूरत है। उनसे बात करें और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आप कोई आयोजन भी कर सकती हैं। वे इसके लिए आपका आदर करेंगी। आप एक बड़ी परियोजना के लिए उन्हें प्रेरित भी करते रहें। उनके साथ हंसी मजाक करें ताकि वे आपके साथ सामान्य हो पाएं। आप अपने विशाल नेतृत्व के गुणों का प्रयोग करें। सेहत की बात करें तो आज का दिन आपके स्वास्थ्य और फिटनेस कार्यक्रम में बदलाव के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आप आज नई शारीरिक एक्सरसाइज और दूसरे कार्यकलाप शुरू कर सकते हैं। आज आप में अपने स्वास्थ्य के विशेष
देखभाल का जोश देखने को मिलेगा। हालांकि आपको यह भी समझना चाहिए कि आपका मानसिक स्वास्थ्य काफी हद तक शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा है और एक में दिक्कत होने पर दूसरा ठीक नहीं रह सकता। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी को सिंदूर चढ़ाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।